गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद उनके समर्थन में पार्टी से निकलने वाले लोगों का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को गुलाम नबी आजाद के समर्थन में 65 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद बुधवार को भी 42 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इन सभी नेताओं का कहना है कि वो गुलाम नबी आजाद की नई बनने वाली पार्टी में शामिल होंगे। इस तरह गुलाम नबी आजाद के समर्थन में अब तक पार्टी के 100 से ज्यादा नेता इस्तीफा दे चुके हैं। इन नेताओं में पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद भी शामिल है। इस बीच गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी बनाने की कोशिशें तेज कर दी है। वो 4 सितम्बर को जम्मू में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद ये उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। माना जा रहा है कि इस रैली के दौरान वो अपनी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं और सबसे अहम बात तो ये है कि 4 सितंबर को ही दिल्ली में राहुल गांधी महंगाई पर हल्ला बोल रैली को संबोधित करने वाले हैं। साफ है कि गुलाम नबी आजाद के कार्यक्रम के चलते कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन प्रभावित होगा। गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफे के बाद कहा था कि ये तो अभी शुरुआत है। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी तरफ से कांग्रेस पर हमलों में इजाफा हो सकता है। जम्मू कश्मीर में अगले साल चुनाव होने के कयास लग रहे हैं और गुलाम नबी आजाद के समर्थकों का कहना है कि उनकी पार्टी सभी 90 सीटों पर उतरने वाली है। जम्मू के सैनिक फार्म्स में गुलाम नबी आजाद की रैली होने वाली है और उससे पहले जिस तरह कांग्रेसियों के इस्तीफे हो रहे हैं उससे पार्टी के लिए केंद्र शासित प्रदेश में अपना आधार बचाने की चुनौती है। अब देखिए ऐसे में लगातार कांग्रेस के सामने बहुत सारी चुनौतियां सामने आ रही है और अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद सोनिया गांधी गुलाम नबी आजाद को मनाए या फिर उनसे बात करके उनको अभी फिर से कांग्रेस में दोबारा से शामिल होने की बात कहे। लेकिन ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि क्या गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में फिर से शामिल होते हैं या फिर अपनी नई पार्टी बनाते हैं।